हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यार मुझे ना एक शिकायत है, ये टीचर्स ये प्रोफेसर्स कितने सवाल पूछते हैं हमसे क्लास में, वाइवा में, ग्रुप डिस्कशंस में, और आते जाते भी इनके सवाल खत्म ही नहीं होते। इतने लेट कैसे हो गए? क्या बातें हो रही हैं? हाँ, इस वक्त कैंटीन में क्या कर रहे हो? कॉरिडोर में क्यों खड़े हो? कब सुधरोगे तुम? तो अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा है क्या करना है? ओ माई गॉड, इतने सारे सवाल। बट फिकर नॉट, क्योंकि आज होंगे टेबल्स टर्न और आज मैं आपके फेवरेट प्रोफेसर से पूछने वाली हूँ बहुत सारे सवाल। इसलिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं SSR कॉलेज MBA से आपके चहेते प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पांडे। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। गुड गुड सर, सबसे जी। पहले आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके ड्रीम्स क्या थे और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? सो मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार पांडे है। आई बिलोंग टू द स्टेट ऑफ बिहार। सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, कुमटी बिटोली। मैं उस गांव से हूँ। हालांकि माय अपब्रिंगिंग, शिक्षा दीक्षा जो है हमारी ओडिशा में हुई है। फादर ओडिशा। हमारे ओडिशा में जॉब करते थे और 1972 में फादर ओडिशा में आए, एंड आई एम 1980 बॉर्न। सो माय स्कूलिंग ग्रेजुएशन हैज हैपेंड फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा से मैं अपने बड़े भैया के पास आया मुंबई, जहां हमने एंट्रेंस की तैयारी की और फिर MBA महाराष्ट्र से हमने किया। जी और उसके पश्चात जॉब एक्सपीरियंसेस हमारी इंडस्ट्री में 6 साल की रही है, जो मुंबई और पुणे में रही है। और फिर 2009 से मैं पुणे से आया सिलवासा, और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के तहत एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, SSR, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। एवरीबडी नोज दैट। राइट। सो मैं उस कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे आज के दिन में कार्यरत हूँ। सो जर्नी काफी अच्छा रहा है, लाइफ में काफी कुछ सीखने मिला है और सीख रहा हूँ। मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ तो सिखा रहा हूँ। सो ओवरऑल अगर देखें तो मल्टी स्टेट्स में एक्सपीरियंस रहा है, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार से तो मैं हूँ ही, और अब दादरा नगर हवेली में अपनी कर्मभूमि कह सकता हूँ इसे। पिछले 15 सालों से मैं इस टेरिटरी में हूँ। जी, और सर बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी है। तो कर्म भूमि यहाँ पे है, हम लकी हैं। सर, अगर कोई बच्चा बड़े होकर लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहे जनरल टर्म्स में, या फिर MBA कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहे, तो किस तरह से वो बन सकता है? बहुत ही बेहतरीन करियर होता है, एक नोबल प्रोफेशन होता है टीचिंग का। वैसे टीचर्स तो जनरली स्कूल्स में हुआ करते हैं। जो कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं वो ज्यादातर फैसिलिटेटर होते हैं, जी वो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं ताकि वो एक बेहतर जीवन पा सकें। टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए खास करके, इन जनरल अगर किसी भी कॉलेज में आप देखें तो नेट की परीक्षा देनी होती है। नेट का सर्टिफिकेशन चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और साथ ही में हर क्षेत्र में, जैसे आप कॉमर्स में आना चाहते हैं या साइंस में आना चाहते हैं या आर्ट्स में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं, उनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैं चूंकि MBA से हूं तो MBA की रिक्वायरमेंट होती है कि एक MBA पढ़ाने वाला MBA होना चाहिए, और साथ ही में उसकी अगर इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस है तो वो डिजायरेबल है। सो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो अपने आज की शिक्षा को बड़ी सीरियसली लें। जो आप स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो अच्छे से शिक्षित हो जाएं, बिकॉज आपको आगे चल के यू हैव टू टीच पीपल, तो यू शुड बी नॉलेजेबल सो दैट यू कैन टीच देम बेटर। और स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ग्रेजुएशन कॉलेजेस में जाना है तो नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्लियर करना है। और यदि PG कोर्सेज में, MBA में आना है तो MBA में आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए, खुद की पढ़ाई जो आपने की थी, और ओके, साथ ही इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो तो डिजायरेबल है। यानी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए जी आप जी 20 से सतर्क रहे हैं। सर, आपके एज अ प्रोफेसर क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? एज ए प्रोफेसर मैं बताना चाहूंगा कि काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सेक्रीफाइसेस भी होती हैं लाइफ में। मैं इंडस्ट्री में 6 साल काम कर चुका हूं। मैं ये जरूर समझ चुका हूं कि इंडस्ट्री में इन जनरल आदमी काम करे या एक टीचर के तौर पे एक टीचिंग प्रोफेशन में आए तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल तौर पे जो है, एक इंडस्ट्री में कोई युवा यदि नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है, तो शायद वो ज्यादा वेल ऑफ है,
साथ ही जो स्ट्रेस उसके पास है वो कहीं ज्यादा है। एजुकेशन फील्ड में उसके मुकाबले, जनरल इंडस्ट्री के मुकाबले स्ट्रेस थोड़ा कम है, लेकिन काम तो यहां भी करना पड़ता है। फाइनेंशियली इंडस्ट्री इन जनरल ज्यादा बेहतर है। एजुकेशनल लाइफ में आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, लेकिन बड़ा ही नोबल प्रोफेशन होता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है और बच्चों के साथ टाइम भी अच्छा बीत जाता है। बिल्कुल। सो मुझे याद है कि जब मैं 2009 में जब प्रोफेसर बना था, उस दौरान हमारे एक रिलेटिव ने हमसे कहा था कि बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैं पीजी कोर्स में आता हूं, तो उन्होंने कहा बड़े ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें हर सुबह गुड मॉर्निंग कहने वाला एक ग्रेजुएट होता है। सो बड़ा ही दिल को छू गया था वो बात हमारा, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है आज तक। ये एक्चुअली में एक बहुत ही बेहतरीन बात थी। सर, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं और बच्चों को पीएचडी करने में भी हेल्प किया है जी, उसके बारे में कुछ बताइए। सो एज फार एज माई फील्ड गोज, दैट इज मैनेजमेंट, राइटिंग ड्राफ्टिंग रिसर्च पेपर इज पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। लाइक जब इस प्रोफेशन में है इंसान, तो शोध करना, रिसर्च करना बड़ा ही लाजमी है, ये तो करते रहना पड़ता है। सो हमारे साथ भी जो टीचर्स हैं, हम सब मिलजुल के रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स से भी रिसर्च पेपर लिखवाते हैं। रिसर्च पेपर लिखने से आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बढ़ती है, और इसी दौरान जब आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं तो कई लोग जो जिन्होंने पीएचडी नहीं किया है, जैसे हमारी पीएचडी पुणे यूनिवर्सिटी से ही 2015 में कंप्लीट हुई थी, और पीएचडी करने के समय जो मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे थे उनका एक्सपीरियंस हमें बहुत काम में आया। और साथ ही जहां तक बाकी लोगों को पीएचडी में मदद करने की बात है, तो मैं आज की तारीख में पुणे यूनिवर्सिटी में पीएचडी गाइड भी हूँ। नासिक में एक इंस्टीट्यूशन है MGBIMR, वो हमारा रिसर्च सेंटर है। हमारे अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में जो पीएचडी कर रहे हैं। तो पीएचडी करना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव था, और इन 5 स्टूडेंट्स को गाइड करना भी एक अच्छा अनुभव है। सो फ्यूचर में अगर आप बच्चे आपको अप्रोच करना चाहें तो कर सकते हैं? कर सकते हैं। कुछ स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हर टीचर के पास एक सीमित संख्या में विद्यार्थी रह सकते हैं। अच्छा। तो जैसे हमारे अंडर जो 5 लोग हैं, जब इनका हो जाएगा पीएचडी, जब ये खत्म कर लेंगे, उसके बाद में नए स्टूडेंट्स ले सकता हूँ। एक वक्त पे पांच छह लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके। सो सर, हमें बताइए कि व्हाई इज पांडे सर सो पॉपुलर? कोर्स पूरा होने के बाद भी बच्चे क्यों आपसे इतने अटैच रहते हैं, आखिर क्या रीजन है? अब इसके लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अंजू मैडम खुद जो है, जो कि हमारी स्टूडेंट रही हैं SSR से, और स्टूडेंट्स के साथ SSR में, खास करके मैं यदि कहूँ तो SSR एक परिवार की तरह है, और SSR में हम सब जो है, सारे टीचर्स, वी लुक फॉरवर्ड टू एड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स जब कॉलेज से निकल भी जाते हैं, तब भी वो याद रखते हैं कॉलेज को, टीचर्स को याद रखते हैं, कहीं ना कहीं एक कनेक्ट सा बन जाता है। और हम सब तो हमेशा, जब भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, तो वी टेल देम दैट ओके, दिस इज अ 2-year लॉन्ग जर्नी ऑफ MBA, बट देन अ फ्रेंडशिप फॉर लाइफ टाइम। सो स्टूडेंट्स याद करते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और अच्छी बात है। पॉपुलैरिटी का तो पता नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स याद रखते हैं। थोड़ा हम MBA के बारे में बात करेंगे। जो एक MBA ग्रेजुएट होता है, उसमें क्या क्वालिटीज आप देखते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ओके। हमने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था प्रहार। ये उसमें नाना पाटेकर ने रोल किया था, और उन्होंने कहा था कि इस देश में 1 साल का कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग होना चाहिए सबके लिए, लोग आर्मी में जाएं, डिसिप्लिन सीखें। अच्छा लगा था, फिल्म भी बहुत अच्छी थी। और जब से मैं इस एजुकेशन फील्ड में आया हूँ, और जब से मैंने जब MBA किया 2001 से 2003 तक महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी से हमने MBA किया, जब हमने MBA किया 6 साल का, फिर जॉब एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद से MBA पढ़ाने लगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 1 साल के लिए सबको MBA भी करना चाहिए। अच्छा, इससे होता क्या है? जो आपने पॉइंट पूछा है बहुत ही वैलिड पॉइंट है, कि एक MBA करने से होता क्या है। MBA टीचेस यू क्वालिटी फॉर लाइफ, एक लाइफ में डिसिप्लिन, एक लाइफ में एक वैल्यू सिस्टम, ये MBA इनकलकेट करता है आपको। जब आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो आप पूरे बिजनेस को समझते हैं। अब उसमें आप स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, कोई HR करता है, कोई मार्केटिंग करता है, कोई फाइनेंस, कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, कई तरह की स्पेशलाइजेशन है। लेकिन संपूर्णतः अगर देखें तो एक इंसान जो है, एक बेहतर बिजनेस पर्सन बन जाता है MBA करने के बाद।
तो उसकी क्वालिटीज अगर कहें तो टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी एलिमेंट, डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट, इन सब में काफी कुछ सीखने को मिलता है जब कोई एमबीए करता है। क्या आप एक स्टूडेंट के कैलिबर को उसके मार्क्स से जज करते हैं? आंसर अगर यस नो में है तो नो। रीजन चाहिए। जाहिर बात है, रीजन मैं देता हूं आपको। मार्क्स बहुत जरूरी है। मैं यहाँ जो भी युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें उनसे कहना चाहता हूं कि डोंट फॉल अंडर दैट ब्रैकेट ऑफ मार्क्स नहीं चाहिए या मार्क्स की क्या जरूरत है, एक मैट्रिक फेल भी जो है तो कि बड़ी कंपनी बना लेता है, ये सब आउटलायर्स हैं, हर कोई नहीं कर पाता है। मार्क्स क्यों जरूरी है? क्योंकि आज जब एक इंसान नौकरी के लिए कहीं जाता है तो ज्यादातर कंपनियां, बैंक्स आज एक निश्चित एक एक, एक उनका एक मापदंड हो गया है कि थ्रू आउट मान लीजिए 60% या 70%, तो वो चाहते हैं कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एक डेफिनेट जो है परसेंटेज रहना चाहिए। हाँ, क्लास में आप फर्स्ट नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप लास्ट आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस डिजायरेबल होना चाहिए जो आपने 2 साल या 3 साल किसी शिक्षा में लगाया है। सो आपने सीखना है वहां से। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेन नॉलेज, नॉलेज वर्क्स फॉर यू। अदरवाइज तो लोग ये कह देंगे कि मार्क्स में क्या रखा है, ज्ञान होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान है तो मार्क्स क्यों नहीं आएगा? तो आप मार्क्स के पीछे ना भागें, लेकिन ज्ञान के पीछे जरूर भागें। सो मार्क्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट। एमबीए होने के बाद आप एक स्टूडेंट के अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस देखना चाहेंगे? एक एमबीए जो इंडस्ट्री में आता है जी, तो एमबीए करने के बाद से दो बड़े ही प्रमुख एंगल होते हैं। या तो आप नौकरी करते हैं, यू गो एंड वर्क फॉर समवन, ओके, और यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर वेयर इन यू क्रिएट योर ओन एंटरप्राइज, यू गिव जॉब्स, ओके, सो जॉब प्रोवाइडर्स। हालांकि सारे लोग जॉब प्रोवाइडर्स होते नहीं है, लेकिन मैं खास करके जिस इंस्टीट्यूशन में हूं, हम लोग कोशिश करते हैं कि वी इनकलकेट इन स्टूडेंट्स द वैल्यूज ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। आप जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर ना बने। हालांकि सच्चाई यही है कि कई लोग जो है वो जॉब के लिए जाते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, बी अ बेस्ट एम्प्लॉय, बी एन एम्प्लॉय हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट बेटर। सो एक एमबीए करके इंसान यदि निकलता है तो उसके अंदर एक आत्मबल जो है वो बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक वैल्यू सिस्टम ऐसा वो अडॉप्ट करता है कि वो दूसरों को राह दिखा सकता है। सो एमबीए एज अ करिकुलम बहुत ही बेहतरीन और मजबूत करिकुलम है। और यदि कोई एमबीए करता है, मैं बाकी शिक्षा के फील्ड को मैं नकार नहीं रहा हूं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी अच्छे हैं, इसीलिए तो एमबीए में सभी को स्वीकार किया जाता है, एनी ग्रेजुएट। हाँ, ये पॉइंट है। हाँ, एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो या एक साइंस ग्रेजुएट हो, एक आर्ट्स ग्रेजुएट हो, ये सभी एलिजिबल है एमबीए करने के लिए। क्योंकि एमबीए एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है, एमबीए केवल एक शिक्षा का माध्यम नहीं, इससे इंसान करियर बनाता है। आपके हिसाब से हु मेक्स अ बेटर मैनेजर, अ गर्ल और अ बॉय? ओके, सो द आंसर कैन बी डिबेटेबल, बट देन द आइडिया इज रादर टॉकिंग अबाउट वेदर अ मैन और अ वुमन। आज हम लोग 2024 में हैं जी, माय आंसर विल बी द वन हु इज मोर इंटेलिजेंट कैन मेक अप अ बेटर मैनेजर। ओके, दैट मींस अ गर्ल। ओके, सो वैसे तो साधारण तौर पर हम लोग कहते हैं कि मां से बड़ा कोई मैनेजर नहीं है, और इस नाते तो जाहिर तौर पर जाते कि वुमेन कैन बी अ बेटर मैनेजर। बट देन टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रियलिटी एंड ऑल, टुडे आज की तारीख में एक समय था ग्लास सीलिंग काफी हुआ करती थी, महिलाओं को जो है कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। अक्सर जो है हमने कई फोरम्स में भी कहा है कि महिलाओं को आप आधी आबादी कहें या पूरी आबादी की जननी, सो महिला जो है किसी भी राष्ट्र के लिए महिला बहुत ही महत्वपूर्ण अंग साबित होती हैं। और जाहिर तौर पे जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है, जहां तक काम करने की बात है, मैनेजेरियल एस्पेक्ट की बात है, तो जिसमें क्षमता है वो एक महिला हो वो एक पुरुष हो वो एक बेहतर मैनेजर बन सकता है जी। मतलब कोई जेंडर बायस नहीं, कोई जेंडर बायसनेस नहीं है। आज की तारीख में कई बड़ी बड़ी कंपनियों की में महिलाएं जो है शीर्ष पर है, वो हमारे यहाँ खुद जो है अगर देखें तो हमारी पहली डायरेक्टर डॉक्टर ए जी जया कुमारी वो एक महिला थी, उसके बाद हमारी डायरेक्टर आई डॉक्टर प्रवीणा मुले मैडम वो एक महिला है। सो महिलाएं तो हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, आप स्वयं एक महिला है जो हमारा इंटरव्यू ले रही है। सो काफी काफी बेहतर जो है कि समाज में विकास जो है
महिलाओं का बहुत हुआ है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र हैं इस देश में जहां की महिलाओं को अभी भी वो दर्जा नहीं मिल पाया है जो उन्हें मिलना चाहिए। अब महिलाओं को दर्जा देने का मतलब केवल ये नहीं है कि घर की महिलाएं कामकाज करेंगी तभी बेहतर महिला हो सकती, एक हाउसवाइफ, एक होममेकर भी एक बेहतर महिला परिवार में साबित होती है, क्योंकि अगर घर का एक पुरुष किसी के ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है तो महिला घर के ऑर्गेनाइजेशन को संभालती, बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये दोनों, जैसा कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एक एक पुरुष और महिला जो है गाड़ी के दो पहिए की तरह है, एक भी अगर खराब हुआ तो फिर नहीं चल पाएगा। तो गाड़ी को चलाने के लिए महिला पुरुष समाज को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और 2024 में है हम लोग, आज की तारीख में महिलाएं किसी से कम नहीं है, पहले भी नहीं थी, स्वीकारिता ज्यादातर अब हो रही है और होते रहेगी। पूरे देश में जो है ये एक बदलाव आया है और आगे भी जैसे कि हम लोग देखेंगे महिलाएं आगे बढ़ते रहेंगी। बहुत ही सेफ आंसर दिया है सर ने, प्लीज नोट करिए। स्टूडेंट्स क्या आपसे कभी रिलेशनशिप एडवाइस लेते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है और आपसे कहता है कि सर उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं आया इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा, या फिर कभी ऐसा होता है कि क्लास में आपने किसी को डांटा, उसने कहा सर सोया नहीं था रात भर क्योंकि मुझे गुड नाइट बोल के वो ऑनलाइन थी, कुछ इस तरह की चीजें होती रहती है? ऐसा तो नहीं होता है, खास करके हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लेवल पे हैं, बच्चे समझदार होते हैं। और इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये 11th 12th और स्कूल के बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हमारी जैसे कि एक्सपीरियंस रही है अभी तक जो है, इस तरह का तो कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन हाँ निजी तौर पर बच्चे जरूर संपर्क करते हैं, उनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और जब जब उन्हें निजी तौर पर जरूरत पड़ती है हम टीचर्स उनका साथ जरूर देते हैं। सो यही है, अभी तक तो इस तरह का तो कोई सवाल नहीं आया है कभी किसी स्टूडेंट से, लेकिन हाँ हम सब जो है टीचर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक बेहतरीन इंसान बने, और एक अच्छा इंसान अपनी मुसीबतों को खुद झेल लेता है, उसे दूसरों के एडवाइस की जरूरत नहीं। यानी कि इस तरह की बातें अभी तक आपके सामने नहीं आई? ऐसी ऐसी कोई बातें तो अभी तक नहीं आई है और ना ही आएंगी, क्योंकि मैं फिर से पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि चूंकि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फील्ड में है, काफी व्यस्त रहते हैं बच्चे और पेरेंट्स भी जो है काफी फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि जिस तरह का फीस लगता है, जिस तरह का समय देना होता है वो बहुत होता है, और बच्चों के सामने करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी निजी विषय के सामने जो है करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि MBA में एनरोल किया यानी कोई रिलेशनशिप्स काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ काम करेंगे, आपके दोस्तों के साथ काम करेंगे, लेकिन फोकस, मैं तो कभी कभी मजाक में स्टूडेंट से कहता हूं कि ये क्लासरूम आपका घर है, शाम को आप कहीं जाते हो और फिर सुबह आ जाते हो, तो थोड़ा फोकस देना बहुत जरूरी होता है शिक्षा के तौर पे, और MBA में खास करके या किसी भी पढ़ाई में यदि आप बोले, अभी तो मैं चूंकि MBA का प्रोफेसर हूँ इसलिए MBA के विषय में ज्यादा बात हो रही है, लेकिन आप मान लीजिए हमारे ही एक प्रोफेसर हैं जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उसी प्रकार से मैं खुद बिहार से हूँ, मैंने वहां लोगों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हुए देखा है ग्रेजुएशन के बाद। तो शिक्षा का फील्ड हो या आपके व्यवसाय का फील्ड हो, कहीं भी फोकस बहुत जरूरी है, और कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन यदि आपको वो डिस्ट्रैक्ट करती है तो वो सही नहीं। आप जो है अपनी जो करंट आपका प्रोफेशन है, एजुकेशन अगर आपका प्रोफेशन है, आप शिक्षा के फील्ड में, आप शिक्षा पर ध्यान दें ज्यादा। आप यदि कार्यरत हैं किसी कंपनी में, आप नए एम्प्लॉई हैं, उस काम को अच्छे से सीखें, मन लगाएं, और साथ में तो ये तो प्राकृतिक नियम है, ठीक है, कि आगे चल के आपकी शादी होगी, आपका परिवार बढ़ेगा, तो ये प्राकृतिक नियम को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान बस यही रखना है कि एक समय अवधि होती है जब आपको फोकस करना है आपके प्रायोरिटीज पे। इन MBA एजुकेशन इज द प्रायोरिटी। सो बेसिकली आपसे ये कहा जा रहा है कि MBA करने के वक्त नो रिलेशनशिप्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया यूथ के लिए एक ट्रैप है, जैसे कि शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट रिलेशनशिप्स, सारी चीजें बहुत ही टेम्पररी हो गई हैं? सो ऐसा देखने में तो आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग यदि सही से हो तो ये आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि
सोशल मीडियम यदि आप बात करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें आती है, लोग केवल व्हाट्सएप तक लिमिटेड हो जाते हैं। व्हाट्सएप में भी कई सारी चीजें अच्छी हैं तो कई सारी चीजें खराब भी हैं। लिंक्डइन में लोग जाते हैं ज्यादातर प्रोफेशनल करियर में जो है लिंक्डइन का उपयोग होता है नेटवर्किंग के लिए। तो सोशल मीडिया एक एक उस छुरी की तरह है जिसका उपयोग निर्धारित करेगा कि परिणाम क्या होता है। तो सोशल मीडिया बेहतर है, उपयोग अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि आपको लगता है कि कम्युनिकेशन लिटरली जीरो हो गया है? सो कम्युनिकेशन जो है, देखिए कई बार लोग कम्युनिकेशन को एक लैंग्वेज तक सीमित रखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन इज मोर लाइक एन एक्सप्रेशन। आप इंग्लिश में बात करें, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करें, आप हिंदी में बात करें, हमारी मातृभाषा है, आप बात करें। एक बड़ी सुंदर लाइन है कि बात करने से बात बनती है। सो कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप अगर शिक्षा के फील्ड में हैं, आप यदि एक असाइनमेंट कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन की जांच होती है वहां पे। तो कई बार स्टूडेंट्स जो है हमारे यहाँ पे, उनको ऐसा लगता है कि यदि इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। इंग्लिश इज अ कमर्शियल लैंग्वेज, इज एन इंडस्ट्रियल लैंग्वेज। हाउएवर इफ वी सी इनटू इंडस्ट्रीज, कई सारी कंपनियों में जो है इंग्लिश बोलने का आपको मौका ही नहीं मिलता है। आप मार्केटिंग के फील्ड में जाइए, आप मार्केट में जब जाते हैं तो वहां की क्षेत्रीय भाषा आपको आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, राइट? सो कम्युनिकेशन, इफ आई हैव टू से, इट इज एन एक्सप्रेशन। और जैसा आपने कहा कि कम्युनिकेशन जीरो होते जा रहा है, तो दूरियां बढ़ते जा रही है। परिवार में ही देखें तो बच्चों की माँ बाप से दूरियां बढ़ते जा रही हैं, तो वहां कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ दूरियां बढ़ते जा रही हैं, वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो वहां एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है। ऑफिस में हो तो मैनेजर्स का अपने एम्प्लॉयज के साथ जब बात नहीं होगा तो कम्युनिकेशन गैप होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओके कम्युनिकेशन गैप्स विल लीड टू ट्रबल। सो कीप गुड कम्युनिकेशन विथ योर पीपल, घर वाले हो या बाहर वाले हो, ऑफिस के लोग हो या बाहर के लोग हो, अ गुड कम्युनिकेशन विल हैव आंसर टू मेनी प्रॉब्लम्स। और जो एक डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, वो डिससैटिस्फैक्शन का भी यही एक इलाज है कि बेटर कम्युनिकेशन रहे, बेहतर कम्युनिकेशन रहे। और जो मैंने कहा पहले, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है। सर, हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, जो मिलेनियंस है, जेन जी है, अल्फा है, इन सब में आपको मेजर डिफरेंस क्या नजर आता है? ओके, समय अनुसार जब हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ जनरेशन गैप व्हेन वी से, सो मेनी अ टाइम पीपल टेक इट नेगेटिवली कि देयर इज अ जनरेशन गैप। नेगेटिव नहीं है, ये तो प्राकृतिक नियम है। हमारे दादा ने जो किया, हमारे पापा भी वही करते, हम भी वही करेंगे, तो तरक्की कहां हुई? अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दादा ने जो किया वो खराब किया, हमारे पापा ने थोड़ा खराब किया, हम बेहतरीन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जनरेशंस बदलती है और बदलना भी चाहिए, चेंज इज इनएविटेबल। तो बदलाव समाज में हो, आपके आचरण में हो, ये तो निश्चित है, ये होगा ही। हर जनरेशन का अपना एक पॉजिटिव एंगल होता है, अपना एक नेगेटिव एंगल होता है। आज के जनरेशन की बात अगर करें तो ये आगे चल के काफी इंटेलेक्चुअल साउंड करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाथ में व्हाट्सएप को लेकर जन्म लिया है। हाँ, सही। Right? तो ये जब हम हमारा अगर देखें तो हमने से फॉर एग्जाम्पल 30-35 साल में व्हाट्सएप सीखा जो है, 25 साल के हुए उसके बाद मोबाइल फोन देखे, घर पे जब तक 10-12 साल के थे तब तक टीवी नहीं था। तो एक समय आता है। उसी प्रकार से अगर देखें आज का जनरेशन जो है तो ये मार्मिक विषयों में थोड़ा सा कमजोर है, एक दूसरे के प्रति कंपैशन कम है, अपने लिए पैशन ज्यादा है। सो खुद को जो अच्छा लगता है वो बेहतरीन तरीके से करते हैं, और ये हम आकलन कर पा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये सच है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जनरेशन के बीच में अपने को अंतर अगर देखना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले के लोग कंपैशनेट ज्यादा थे, आज के लोग पैशनेट ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि पहले पैशन कम था आज कंपैशन कम है, हर चीज हर वक्त पे था, लेकिन एक प्रायोरिटीज होती थी। हमारे बाबूजी
1972 में जिस कंपनी में उन्होंने जॉब करना शुरू किया, 2009 में उसी कंपनी से निकले। तो या तो इसे हम स्टेबिलिटी कहें या उस जनरेशन का एक वैल्यू सिस्टम कहें कि लॉयल्टी है। सही बात है, लॉयल्टी। आज की तारीख में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएं। गलत भी नहीं है, आप अपने करियर के लिए फोकस्ड हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरा करियर एक विकास के राह पर कहां बेहतर जा सकता है, तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। बट देन द सेम थिंग्स मे बी 3 decades, 4 decades बैक वॉज नॉट कंसिडर्ड गुड। उस समय ऐसा होता था कि मालिक जो कहे वही सही है, बॉस इज ऑलवेज राइट। आज की तारीख में जो है कई लोग मजाक में तो कह ही देते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन आज की तारीख में ऐसा है कि योर करियर चॉइस इज ऑलवेज राइट, बस परिणाम जो है वो अलग हो सकता है। डिसीजंस आर नेवर रॉन्ग और नेवर राइट, द रिजल्ट्स आर रॉन्ग और राइट। सो ये आज के युवा यदि सुन रहे हैं तो आप बेहतरीन करियर के चॉइस की ओर बढ़िए और एक अच्छा करियर आप चुनिए और आगे बढ़िए, और पैशन और कंपैशन दोनों को साथ लेकर साथ लेके चलिए। नो डाउट सर। अब आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये केसेस बहुत हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये हमेशा से था, पहले हिडन था, पहले लोग बातें नहीं करते थे, या फिर अब ज्यादा है? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। एंजाइटी, प्रेशर, ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन अब पहले की जब मैं बात करूं तो मैं आज 44 साल का हूं, मैं कोई बहुत उम्रदराज इंसान नहीं हूं, लेकिन हाँ हमने 4 decades देखी हैं, ठीक है, 44 दिवालियां देखी हैं, 4-5 याद नहीं है बचपन की, लेकिन हाँ हमारे समय में भी स्कूलिंग हुआ करता था, बोर्ड के एग्जाम्स की वो प्रेशर हुआ ही करती थी, आज भी होती है बच्चों में। स्ट्रेस व्हेन वी से इज नॉट कंप्लीटली नेगेटिव, ठीक है, स्ट्रेस का एक पॉजिटिव एंगल होता है जिसे ऑस्ट्रेस कहते हैं। किसी भी चीज के लिए अगर आप एंग्शियस हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन वो चीज क्या है, वो गोल क्या है, क्या वो क्लास में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की बात है तो अच्छी बात है आप पढ़ो, क्या आपके मन में ऐसा है कि मेरे एग्जाम्स की तैयारी नहीं हुई है और बेहतर तरीके से हमें तैयारी करनी है, तो ये चिंता कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आपकी गलत आदतें हैं, आप यदि पेरेंट्स से छुपा के किसी गलत आदत में लिप्त हैं, उसके लिए आपके मन में एंग्शियसनेस है, तो वो गलत बात है। सो ऑल इन ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पर्पस इन लाइफ हैज टू बी डिफाइंड प्रॉपरली। जी, आपका हंगर जो है ये होना चाहिए, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, तरक्की की भूख होनी चाहिए, एक बेहतर विकल्प की भूख होनी चाहिए, एक बेहतर लाइफ में स्टेज पे पहुंचने की भूख होनी चाहिए, वो तड़प आपको वहां तक लेके जाती है। और जीवंत एग्जाम्पल है हम लोगों के पास हर फील्ड में, आप अगर देखें पॉलिटिक्स के फील्ड में तो लोगों ने कमाल किया है, जो मेहनत किया है जब लोगों ने, आप अगर देखें शिक्षा के फील्ड में तो कई सारे लोगों ने एक बड़े जो है कि ओहदे तक पहुंचे हैं, जो है मेहनत से पहुंचे हैं। आप अगर एंटरटेनमेंट की फील्ड देखें, आप खेल कूद की फील्ड देखें, तो उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि बेहतर प्रयास किया है और निरंतर प्रयास किया है, तब वो उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो मतलब anxious होना, nervous होना, it's not a bad thing. It's not a bad thing. आज अभी देखिए, today we are talking, recently एक मूवी रिलीज हुई है कल्कि, उसमें आदरणीय अमिताभ बच्चन जी रोल कर रहे हैं। कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू हमने सुना था, उन्होंने कहा कि यदि फिल्म हमारी फ्राइडे को रिलीज होती है तो थर्सडे को मैं नर्वस रहता हूँ। So, सदी का महानायक यदि नर्वस हो सकता है इतनी फिल्में करने के बाद, नर्वस 90s के शिकार अगर सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, जो हम लोग देखते सुनते हैं, जो है जो हमारे मेंटर्स हैं, और ये लोग जो है कि आइडियल्स हैं, जो आइडियल्स हैं समाज के आइडियल्स हैं, तो नर्वस होना ये तो एक केमिकल एस्पेक्ट है, बॉडीली एस्पेक्ट है, जो कि ये तो बड़ा ही नेचुरल सा चीज है। मैं तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यदि आप परेशान हैं, यदि आप नर्वस हैं, यदि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि ये सब नहीं होगा तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सही बात है, मैं भी आज बहुत एंग्शियस हूं, बहुत नर्वस हूं। लेकिन सर ये एक लेवल आगे चला जा रहा है, आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट्स में ये एंग्शियसनेस, ये नर्वसनेस एक लेवल आगे चला जाता है कि बच्चे जो है वो कुछ एक
अलग दिशा में या गलत दिशा में भी जा रहे हैं? ऐसा सुनने को मिलता ही है, लेकिन जहां तक अगेन आई आई रिपीट द सेम पॉइंट्स कि ये पहले भी था, आज मीडिया के माध्यम से कई सारी चीजें हम लोगों तक पहुंच जाती हैं तो हम लोगों को दिखता है ये, लेकिन इन सब का आंसर यही है कि पर्पस पे फोकस करें और बाहरी कंपटीशन पहले के मुकाबले ज्यादा है, तो इसलिए अब हर चीज बढ़ा है ना, आज 1950-60 के दशक के मुकाबले आज की आबादी ज्यादा है, आज नौकरियों के प्रति लोगों में चाह ज्यादा है, कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो इन सब को लेके यदि कोई एंशियस हो रहा है, कोई नर्वस हो रहा है, तो उसे गलत नहीं समझना है, ये बड़ा ही नेचुरल सा प्रोसेस है कि ऐसा होगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या आपकी लगन पूरी है, आर यू डिटर्मिंड, आर यू फोकस्ड, डू यू नो योर पर्पस। कई सारी चीजें बड़ी फिलोसॉफिकल होती हैं, बट देन आई ऑलवेज से टू पीपल दैट फिलोसफी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ मस्ट प्रिवेल, फिलोसफी एक सच्चाई है, फिलोसफिकल होना चाहिए। हम बचपन में सुनते आते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लोगों को फिलोसफी लगती है, लेकिन कितनी सही बात है कि आप ऑनेस्ट रहें। हम ऑनेस्ट रहना रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रहती है कि सामने वाला ऑनेस्ट रहे। जी दैट मींस बीइंग नर्वस इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन पर्पस पे फोकस रहना चाहिए। फोकस रहना चाहिए, और अगर हम पर्पस पे फोकस करते हैं तो आज नहीं तो कल इट लीड्स टू सक्सेस। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी। और बातों बातों में मैं ये भी अपने युवा मित्रों से कह दूं कि कई बार आप लोग सुनते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को किसी नहीं को कुछ मिलता नहीं है, मिलता। देखिए कहने वाले ऐसा कहते हैं, लेकिन आपको अपने भाग्य से ज्यादा अपने मेहनत पर विश्वास रखना है, आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। बट हमें वैसे भी भाग्य पता रहता नहीं है कि किस लेवल तक सही बात जाएगा। है, सही बात है। तो सर, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन किसी बच्चे के सामने है तो हम उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं? उससे बातें करें, कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी प्रॉब्लम, आपको सोल्यूशन मिलेगा। उससे बातें करें, उससे जानने की कोशिश करें कि उसकी परेशानी कहाँ पे है। मैं आपको एक वाकया बताऊं कि हमारे यहाँ एडमिशन्स होती है 50% के नीचे यदि किसी बच्चे का आ जाए तो उसे एमबीए में एडमिशन नहीं मिलता है। जब बच्चा 3-4 साल तक घर पे होता है तो केवल पेरेंट्स का उन पे प्रभाव होता है, जब बच्चा नौकरी में पहुंच जाता है, व्हेन पीपल स्टार्ट देयर प्रोफेशनल करियर, तो सामाजिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, लेकिन साथ में वो उस समय भी कोई पढ़ाई करता रहता है, कोई सर्टिफिकेशन करता रहता है, तो शिक्षा का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, परिवार के साथ तो वो है ही। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, इन इन सबको अगर बोले तो किसी के करियर में ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, द टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, पेरेंट्स, द फैमिली मेंबर्स, द सोसाइटी, द नेबर्स, ऑल आर स्टेक होल्डर्स टू द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, सबका प्रभाव पड़ता है कम या ज्यादा। मतलब कि लर्निंग चलती रहती है, स्रोत बदल जाता है। 100% लर्निंग तो लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ है, आखिरी सांस तक आपको सीखना है, एंड इसी के तहत तो एजुकेशन के फील्ड में जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, और जो स्टूडेंट्स बीएड करते हैं वो स्टूडेंट्स, आपने बीएड किया हुआ है, और हाल ही में हमने एमए इन एजुकेशन की भी डिग्री प्राप्त की पुणे यूनिवर्सिटी से। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक बहुत बढ़िया पहलू है, आप सीखते रहते हैं, और हर फील्ड में लोगों को देखा गया है कि जो लोग आगे बढ़े हैं वो सीखते रहे हैं, अपने किसी न किसी आचरण से जो है उनको एक सीख मिलती है और उस सीख के बल पे वो आगे बढ़ते हैं। हर बीतते दिन के साथ वो ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एक्सपीरियंस बनते जाते हैं। राइट राइट, सिचुएशनल है कि आपको एक सिचुएशन को हैंडल करना है। अब कई बार होता है कि किसी ने हैंडल कर लिया तो उसे हम कहते हैं कि ये स्मार्ट है, कोई नहीं हैंडल कर पाया तो उसे कहते हैं ये स्मार्ट नहीं है। ये उस क्रिकेटर की तरह है कि वो भले ही सचिन तेंदुलकर हो जाए लेकिन किसी मैच में जीरो में भी आउट होता है। सो हाउ डू यू सी सक्सेस एंड फेलियर? ओके, सो सक्सेस एंड फेलियर इफ यू लुक फ्रॉम अ ऑब्जेक्टिव आंसर पर्सपेक्टिव, तो मेनी अ टाइम द गोल दैट यू हैव इफ यू अचीव इट बिकम्स अ सक्सेस, इफ यू डू नॉट अचीव इट बिकम्स अ फेलियर, हाउएवर दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट आंसर ऑफ इट। सक्सेस एंड फेलियर है कि सक्सेस गिव्स यू अ मोटिवेशन टू मूव फॉरवर्ड, फेलियर गिव्स यू अ पुश टू मूव फॉरवर्ड, तो अंत में जाके ये दोनों रास्ते एक जगह पे मिलते हैं। आप अगर फ्लाइट में फेल भी हो रहे हैं
तो कई बार तो देखिए अगेन फिलोसफिकल पॉइंट्स अपन सुनते हैं कि भाई भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोच के रखा है, लेकिन अच्छा डिजर्व करते कुछ हो, अच्छा डिजर्व करते हो, लेकिन अगर तुम हर बार फेल होगे तो भगवान ने तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं सोचा, तुमने खुद अपने बारे में नहीं सोचा। सो आप एक एक प्रोफेशनल कोई बड़े डील के लिए जाए और वो डील क्रैक न कर पाए तो वो उसे फेलियर नहीं समझता है, वो उसे एक्सपीरियंस समझता है। अगर उस डील को क्रैक कर जाए तो सक्सेसफुल हो जाता है, वो कहता है कि ओके इट वाज अ सक्सेसफुल डील। अगर वो फेल हो जाए तो वो नहीं ये नहीं कहता कि वो आई फेल्ड, वो ये कहता है कि आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। तो मतलब फेलियर्स अगर अगर हम एक्सपीरियंस भी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम, आप हैव एन एक्सपीरियंस, आप ज्यादा इक्विप्ड हैं। आप जब बल्ब का इजाज हुआ तो जिसने इजाज किया उसने ये कहा कि मुझे 999 तरीके पता हैं कि कैसे बल्ब नहीं बनेगा, हमको तो एक ही तरीका पता है कि बल्ब कैसे बन सकता है। राइट। तो फेलियर कह के कुछ नहीं होता है, एक इंग्लिश का टर्म है, बड़ा ही नकारात्मक टर्म है, आप कभी उसे फेलियर के तौर पे ना देखें। इट्स ऑलवेज एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एवरीबॉडी हैज इट। भगवान भी अगर धरती पे आ जाए तो उनमें भी कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। सही बात। So, इंसान है हम लोग और कहीं ना कहीं जो है कि कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, उससे सीखना चाहिए, अगली बार वो चूक ना हो, ये आपका सक्सेस है। तो हमेशा ही एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता ही है और फेलियर अगर एक्सपीरियंस कर भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ब्रेकिंग योर ओन प्रीवियस रिकॉर्ड इज सक्सेस। इतने सालों के टीचिंग करियर में क्या आपको किसी बात का रिग्रेट है? ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ कई सारे सपने होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत मुंबई से हुई थी जी। मैं मुंबई में डेटा मेटिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में जॉब किया करता था, मेरी पहली जॉब थी वहाँ। बड़े भैया रहते थे मुंबई में तो उनके साथ ही रहता था, बड़ा सहयोग रहा है हमारे बड़े भैया का हमारे लाइफ में। और वहां से मैं पुणे गया, हमने एमफिल में एडमिशन लिया और मेरी नौकरी भी लग गई वहाँ पुणे में। हमारा एक्सपीरियंस exlservices.com और WNS ग्लोबल सर्विसेज में रहा है। WNS ग्लोबल सर्विसेज में 2009 में एज मैनेजर ऑपरेशंस मैंने वहाँ से जॉब छोड़ा और फिर शिक्षा एजुकेशन के फील्ड में आया। तो कंपनी की ओर से विदेश जाने का मौका मिला। सो अब धीरे धीरे जब लाइफ में थोड़ी तरक्की मिलते गई तो जाहिर तौर पर कभी कभी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, तो समय जो है ऑफिस में ज्यादा देने लगा, पढ़ाई पे कम, तो एमफिल नहीं हो पाया था। तो कुछ समय तक ये हमारे दिमाग में रिग्रेट था। हालांकि जैसे ही हमने पीएचडी कंप्लीट किया तो वो रिग्रेट खत्म हो गया, क्योंकि एमफिल के ऊपर की डिग्री है। सो इस तरह की छोटी मोटी रिग्रेट्स तो होती ही रहती है, होना भी चाहिए। खास करके रिग्रेट्स तो उन्हीं की लाइफ में आता है जो सपने देखते हैं। द पीपल हु ड्रीम फॉर सक्सेस दे ओनली कैन हैव रिग्रेट। कोई यदि आपको ऐसा बोले ना कि मेरे लाइफ में तो कोई रिग्रेट नहीं है, तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता है कि उसने कोई सपने देखे ही नहीं, कोशिश ही नहीं की है। सपने देखिए, सपने टूटते हैं, लेकिन अगेन द सेम फैक्टर, इट्स नॉट फेलियर, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर यू, इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू। सो कई सारी चीजें सीखनी अभी बाकी है प्रोफेशनल लाइफ में भी, और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। सो रिग्रेट्स तो होती हैं, बहुत सारी होंगी, अचानक से शायद सब याद ना आ जाए, लेकिन रिग्रेट्स होती हैं लाइफ में हमारे। जैसे कि मैं कॉलेज के दिनों में मैं एक स्पोर्ट्समैन था, सो उन दिनों तो क्रिकेट और बास्केटबॉल काफी खेला करता था, बैडमिंटन भी। सो क्रिकेट में जैसे कि करियर बनाने का बड़ा शौक था जो है कि आगे बढ़ेंगे जो है, लेकिन रिग्रेट है कि ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए। हमारा जो साथ दिया था जिन लोगों ने, हमारे कोच थे, हमारे पीटी टीचर जो थे, इन सब ने जो सहयोग दिया, सीनियर्स ने जो साथ दिया, तो एक रिग्रेट सा था कि स्पोर्ट्स में बहुत आगे नहीं जा पाया। लेकिन फिर एक समय आया जब हमने देखा कि अब स्पोर्ट्स नहीं है तो एकेडमिक्स में हमको बेहतर करना है। तो एमबीए के दौरान मैं अपने बैच में टॉपर था, जो कि मैं उसके पहले तक स्कूल और कॉलेज के दिनों में अपने किसी भी क्लास में मैं फर्स्ट नहीं आया था, लेकिन एमबीए में मैं अपने बैच में टॉपर था। तो ये महज इसलिए हो पाया क्योंकि फोकस स्टडीज में हमने दिया और एक एक बेहतर उम्मीद थी कि एक अच्छा एक एक बेहतर इंसान बनना है, तो जो आप काम जब आप करें तो उसमें फोकस करें।
तो उन दिनों एमबीए स्टडीज का फोकस था। उसके बाद से जॉब में भी कोशिश की हमने, काफी ऊंची लेवल तक गया जो है। जब मैं WNS में था तो यंगेस्ट मैनेजर के तौर पे रिकग्नाइज हुआ था, और अब आज की तारीख में अगेन एज ए टीचर जो है अभी तक हमने पूरी कोशिश की है कि एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकूं और सीख सकूं साथ में, और सदैव यही हमारा प्रण रहेगा कि सीखता रहूं सिखाता रहूं। कोई एक ऐसा प्राउड मोमेंट बताइए, कभी आपके किसी स्टूडेंट ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो या कुछ भी आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट से रिलेटेड? तो देखिए काफी एक्सपीरियंसेस हैं हर बैच में, जैसा कि मैं कह सकता हूँ 2009 से मैं यहाँ पे हूँ, हर बैच में कुछ नगीने होते हैं। लेकिन हम सबका SSR परिवार जो है, हम सबका ये मानना है कि एवरीबडी इज इक्वल एंड इम्पॉर्टेंट टू अस। और MBA में तो कोई बच्चा फर्स्ट आ जाए या लास्ट भी हो तो सबके प्रति हम लोगों का झुकाव रहता है। लेकिन हाँ, एक बड़ा ही निर्मम दुनिया है जहाँ पे कि सक्सेस को जो है अलग अलग मापदंडों से देखा जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंपनियों में बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच चुके हैं आज की तारीख में, जिनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो स्टूडेंट्स जो है, जो कि वी फील वेरी प्राउड कि स्टूडेंट्स उस लेवल तक पहुंच गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MBA करने के बाद भी जो है पुलिस सर्विसेज ज्वाइन किए, वो यही दादरा नगर हवेली में कार्यरत है। सो ऐसे स्टूडेंट्स हमें प्राउड फील होता है इन स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, सो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब प्रोवाइडर्स बन चुके हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आप समय निकालिए और वापस कॉलेज में आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और मिलिए, अटेंडेंस लगाइए।